हरविंदर कौर ढिल्लों जी का घर जो फूलों से पौधों से सुसज्जित किया गया है बाकायदा से, और बहुत सारे पौधे इन्होंने रखे हैं वितरित करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए। जो नियमित रूप से इनका कर्म है, फूलों की मुहिम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जो आपसी संस्था और डॉक्टर रामजी जयमल फ्लावर मैन के नेतृत्व में जो मुहिम चली हुई है, तो हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये शौक़ किस तरह से बना, किस तरह से पैदा हुआ, और किस तरह से आप पूरे जिला भर में और पूरे पंजाब में इनकी यात्राएं होती हैं और वहां पे ये फूलों की पौध लेकर के जाती हैं, रखती हैं, एग्जीबिशन में शामिल होती हैं। तो बहुत तरीके की विविध प्रकार की गतिविधियां हैं, इनकी सरगर्मियां हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए इस मुहिम के बारे में, आपका इस मुहिम के से कैसे जुड़ाव होता है? हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा जुड़ाव पौधों और फूलों से, प्रकृति से, मैं समझती हूँ बचपन से ही है। जब से मैं स्कूल में जाती थी, स्कूल ही एक ऐसी संस्था होती है जहाँ से हमें अपने घर के अलावा बाहर की दुनिया का पता चलता है। तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे स्कूल में तरह तरह के फूल होते थे उस जमे में, तो मैं लगाते हुए माली को देखती थी, और वहाँ पे फूल तोड़ना मना भी होता था तब इस चीज़ की कीमत थी। वो स्कूल मेरा गाँव बुताला है, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था वो हमारे यहाँ। तो अच्छी हमारी किस्मत यह है कि हमारे टाइम में तब स्कूल था, शायद ना होता तो शायद दूसरे गांव में मेरे घर के पढ़ने भी ना भेजते। तो सब लड़कियों की ये होनी है कि नहीं जाया जाता। तो स्कूल से ही मैंने जब फूलों को देखा, बहुत तरह के फूल मुझे स्कूल में ही देखने को मिले, और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि वो फूल मुझे असल में कहाँ से वो हम ले सकते हैं, कैसे हम उनको अपने आप लगा सकते हैं, बीजों से लगते हैं, और फिर कैसे हम अपना आला द्वाला अपने घर से लेकर, जो भी स्कूल कॉलेज पार्क आपके नज़दीक होते हैं, अपने घर के बाहर की दीवारों के पास भी आप फूल पौधे कैसे लगा सकते हैं। धीरे 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 वो मुझे, जो बचपन से मुझे वो पौधों से प्यार था, वो मुझे अब जाके उसका ना समझ आई है कि अभी हाँ, इनको मैं अपने शौक़ को पूरा मैं कैसे कर सकती हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि ये पौधे नर्सरियों से मिलते हैं, इनके बीज हैं। अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया, तो बहुत तरह की जानकारी हमें उससे भी मिल जाती है। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे डॉक्टर रामजी जयमल से सौभाग्य प्राप्त हुआ मिलने का, तो वो तो फूलों के ऊपर बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, और वो निःशुल्क कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो उनसे ये भी प्रेरणा मिली कि आप निःशुल्क ही, मैं ये करने को अपना वो कोशिश करती हूँ कि मैं भी निःशुल्क ही करूँगी, क्योंकि जितना कि मैं अपने सोर्स से मैं कर सकती हूँ, तो निःशुल्क ही करने की कोशिश करती हूँ। और करती हूँ कि जो पौधे मुझे लगता है कि अभी मुझे भी परेशानी रही है कुछ पौधों के लिए, तो मैं चाहती हूँ जिसको चाहिए तो पौधे उस तक मैं पहुँचाऊँ, जो नहीं ला सकते हैं उनके तक मैं वो पौधे पहुँचाऊँ जो वाकई हमें चाहिए, जैसे मेडिसिनल पौधे हो गए, फूलों वाले हो गए, जो जिसको हम कहते हैं कि शानदार फूल लगते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, बेलें होती हैं, और जो हमारे घर के पार्क को सुंदर बनाते हैं, ऐसे पौधे भी हैं जो हमें, जैसे आम हो गया, डेऊ हो गया, ऐसे पौधे जिसका हम अचार भी बनाते हैं और साल भर हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि भी ये चीज़ें इतनी काम की हैं, प्रकृति ने हमें दे रखी। आंवला है, आंवले का अचार है, बहुत तरह के, जैसे सहजना है, सहजने की फली है, उस वो सहजने के पौधे के तो सारे ही पत्ते, जड़ें, उसके फल, उसके फूल, उसके मतलब टहनियाँ, हर तरह उसका मतलब यूज़ होता है, और उसके बहुत फ़ायदे हैं। मुझे लगता है आजकल तो नेट से लोग सर्च भी कर लेते हैं। तो मैं सहजना के पौधे सबसे ज़्यादा देना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही पौधे में इतने गुणकारी चीज़ें हैं कि वो एक पौधे से हम उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। मैं एक अपने घर में लगा हुआ पौधा दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरे सामने ही वो लगा हुआ, ये इसको ढेऊ का पौधा कहते हैं, ये एक तरह का कटल का टाइप का पौधा है, इसमें लगते हैं फल लगता है जो उसका अचार डाला जाता है। और कटल का ये जो अचार डलता है, ये आम के अचार की तरह साल भर चलता है, इसका अचार तो अचार डलता है, इसके पक जाए तो ये फल की तरह इसको खाया भी जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन ज़्यादा अब लोग इनका मतलब भूलते जा रहे हैं, ये हमारे विरासती पेड़ों में आता है, ये हमारा विरासती पेड़ है, इसको अपने इस एरिया में हमारे पहले जो बड़े लोग थे वो सब इसका अचार बनाया करते थे, खाया करते थे। ये गर्मी में अचार बनता है, सर्दी में जाके लोग इसका बहुत ज़्यादा मतलब आनंद से खाते हैं इसका। और इसके अलावा मैं आपको एक पेड़ और दिखाती हूँ,
एक अपना जो विरासती पेड़ है, मुझे लगता है ये हमारा नेशनल पेड़ में भी आता है, ये है बड़, बनियन बड़ है। ये कम से कम 25 साल पुराना मेरा पेड़ है। इसको बेशक कहते हैं कि बोनसाई पौधा नहीं इतना वो लोग ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि मुझे पसंद है, मैंने इसलिए लगाया इसको, और इसको मैंने इसलिए इसमें लगाया क्योंकि मुझे इसका शौक़ था, वरना मैं बढ़ के पौधे इसी पौधे से मैंने कटिंग तैयार करके कम से कम सैकड़ों पौधे मैं दे भी चुकी हूँ, बांट भी चुकी हूँ। बॉडी आसानी से इसकी कटिंग, इतनी इसकी कटिंग लगाओ और इसको थैली में लगा के चल जाता है, बड़े आराम से चलता है, फिर किसी को दे दो। और खुली जगह पर मैं चाहती हूँ खुली जगह पर लगाया जाए, ताकि जो इसका सबसे ज़्यादा इस पर ये फैलता है, ये छाया देता है, और इस पे बहुत सारे पक्षी अपने रैन बसेरे बनाते हैं। एक ट्रॉपिकल है ये मेरे पास, ये देखो ये इसके पत्ते की खूबसूरती देखिए, ये मनी प्लांट की ही टाइप का है, वो मैंने उसको मॉइस्टिक के साथ लगाया हुआ है। ये मेरा पौधा मरता जा रहा था किसी कारणवश, लेकिन मैंने इसको बहुत ध्यान से लगाया और ये तो सर्वाइव कर ही गया। इसके साथ का एक पौधा मेरा इधर भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है इसी के साथ का, वो तो मरता मरता बचाया। ये देखो इसके इसकी खूबसूरती अपने आप में कितनी है। और मैं ज़्यादातर, मुझे पत्ते, खूबसूरत पत्तों वाले पौधे बहुत पसंद हैं, इसको किसी फूल की ज़रूरत नहीं है। ये सात पत्ती का पौधा है लेकिन वेरीगेटेड है, इसमें हरा है और ये देखे दो रंग का, और कितना अपने आप में खूबसूरत लगता है। और ये पौधा है, ये भी उसकी फाइकस की वराइटी है, ये इसको भी ये कटिंग से, ये भी मैं सैकड़ों पौधे कटिंग से बना बना के मैं सबको बांट चुकी हूँ। और ये तो मेरा एक कुछ के 29 के अंदर मेरा जो अपना एनजीओ है, वहाँ के बेटे ने मेरे लिए ये बना के पौधा दिया, क्योंकि ये दोपहर किड़ी का पौधा, ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है। अभी ये सीजन अभी शुरू हुआ, तो इसलिए ये पिछले साल का है, तो ये मुझे, मैं इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को कहती हूँ, क्योंकि ये एडिबल भी है। अच्छा, ये एडिबल भी है, इसको हम खा भी सकते हैं। ये इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, ये वाला जो चौड़ी पत्ती वाला है तो पत्थर चट इसको बोलते हैं। मैं कनाडा से लेकर आई हुई हूँ इसकी कटिंग। हाँ जी हाँ, मुझे बहुत शौक है, कहीं भी पौधे मुझे दिलते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ अपने घर पे वो वैरायटी लेकर आऊँ। बिगोनिया पौधा होता है, ये बिगोनिया होता है, इसमें भी पत्ते की ही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती है। और इसमें ये देखो सफ़ेद रंग का फूल आता है, गुच्छे में फूल आता है, अभी शुरू हुए हैं। तो इसका मेरे पास लाल रंग का भी है, लाल रंग का बिगोनिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिगोनिया का लाल, लाल वैरायटी का, ये देखो कल, ये भी गुच्छे में फूल आता है, और इसका ये भी कटिंग से पौधा तैयार होता है, और ये भी एक मनी प्लांट की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छा है। इसको, इसके पत्ते का रंग देखो कितना अच्छा है, और ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है। और ये पीस लिली है, पीस लिली बोलते हैं इसको, पीस लिली जो है बहुत हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। इसको हम इंडोर रखते हैं, कहते हैं ज़्यादातर इंडोर भी मैं रखती हूँ, मेरे अभी भी फ़िलहाल दो पौधे इंडोर भी रखे हुए हैं। ये कॉर्नर में जो पौधे रखे हुए हैं, ये मेरे सारे पसंदीदा पौधे हैं, ये मुझे बहुत, ये रबड़ प्लांट है, ये क्रोटन है, ये स्पाइडर है, हाँ जी स्पाइडर, इलायची का पौधा है। इसके भी पत्तों को हम ग्रीन टी बना के यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी इलायची वाला इसमें महक है। और इसकी और भी बढ़िया खूबसूरती जो है, इसके फूल बहुत सुंदर आते हैं इसमें, यही मौसम है इसके फूल खिलने का। इसके ऊपर मधुमक्खियां बहुत आती हैं, वो और भी बहुत अच्छा है कि इसका जो मधुमक्खियों को पसंद है ये फूल। और पीछे मैंने गिलोय लगा रखा है, ग्लोए का तो अभी कोरोना के टाइम में सबने इसका देखा कितना फ़ायदा, और अब हमारे लोगों को अगर बचाया है तो ग्लोए ने बचाया है। ग्लोए को यूज़ करने वाला मनुष्य है ना, अपने इम्यून को इतना बूस्ट कर लेता है, कोई भी बीमारी उसके आसपास नहीं आती, इतना तो वो प्रूव हो चुका कोरोना के टाइम में। इसके साथ ही वो सामने है अपना गुल्लड़ का पौधा, गुड़ल का पौधा, ये देसी गुड़ल है। इसकी भी, इसके पत्तों का भी यूज़ है और फूलों का, ग्रीन टी बनती है। ये बहुत काम में आने वाला देसी वैरायटी का है, वैसे तो इसका हाइब्रिड भी आता है, लेकिन इसका यही जो लाल है ना,
गुच्छे में आता है, बड़ा बड़ा फूल है, तो ये इसका ग्रीन टी बनती है। वो दिखा देते हैं, अच्छा आपने, ये मैं आंवला दिखा देती हूँ। आंवला वैसे तो उधर है, ये आंवला भी मैंने लगा रखा है। मेरे दूसरे घर के दूसरी साइड पे दो बड़े बड़े हैं, उसमें आंवला लगना शुरू हो गया, इसमें अभी नहीं आई है। ये कड़ी पत्ता है जी, ये कड़ी पत्ता है, इसके अपने आप बीज गिर के यहाँ बहुत पौधे निकलते हैं, वो मैं सारे बांटती हूँ। क्या बात है, ये शतावरी का पौधा है। शतावरी, शतावरी का, हाँ जी, शतावरी की जड़ों का मेडिसिनल यूज़ है। ये जो अपने गाय भैंस हैं उनके भी काम आने वाला है, उनको जो पशुओं की दिक्कतें होती हैं उसमें ये फायदा करता है। ये आम का पेड़ है, ये खूब सारे आम लगे हुए हैं। ये मुझे दशहरी लग रहा है, हाँ ये दशहरी है, क्योंकि अभी ये पहली बार इसमें आया है फल, तो दशहरी ही है ये। और मैंने ये जो आड़ू का पौधा लगाया हुआ, और ये है इसमें ना बार बार आम लगते हैं, ये सदाबहार जिसको बोलते हैं। इसको अभी थोड़ी देर पहले 6-7 महीने पहले इसको बूर आया था, तो मैंने काट दिया था, क्योंकि वो मुझे पौधा छोटा बताया था कि अभी इसको नहीं लगना, अब जो आएगा तो फिर इसका, इसकी मेरे पास फोटो है खींची हुई, जब इस पर बूर आया था, काफ़ी सारा बूर आया था। ये अपना आड़ू के दो पौधे लगाए हुए हैं, उधर वो नींबू का पौधा है, वो अमरूद का पौधा है, वो अमरूद का पौधा है, ये अनार का पौधा है, और ये इसको बोलते हैं करौंदा। अच्छा, करौंदा मैंने गमले में लगा रखा है, इसमें अब आने वाला है सीजन, इसके फूल लगेंगे। इसको काफ़ी, इतने सारे एक ही पेड़ पे, इतने से पेड़ पे इतने सारे करौंदा लग जाते हैं। तो ये मेरे पौधे मैंने रखे हुए हैं, ये सारे मेरे बांटने वाले पौधे हैं। ये जकरांदा है, ये अपना बांस है, ये बड़ है, और ये बोगनविलिया की बेल है, ये सीताफल का पौधा है जी जी, ये बच्चा जीवी, पुत्रन जीवी बोलते हैं इसको, पुत्रन जीवी, हाँ जी, ये भी, इनकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये मैं, मुझे नर्सरी से मिल जाते हैं, फिर मैं ला के और बांटती हूँ। और उधर वो गेंदा लगा हुआ है, गेंदा जहाँ लगा हो तो वहाँ कहते हैं कि ये अपने आप में कीटनाशक है। हाँ जी, इसको बताया जाता है कि अपने आप ये कीटनाशक, तो इसको इसलिए मैं लगाना मुझे बहुत पसंद है। और ये बांस मैंने गमले में लगाया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये तो। और वो उसका नींबू का, इसमें इतने बड़े बड़े गुच्छे में भर के नींबू आते हैं, तो अचार मैं नींबू भी यूज़ करती हूँ और अचार भी बना के बांटती हूँ। और ये मेरे नर्सरी, आप इसको कह सकते हो कि ये पौधे मैं लाती हूँ। और अभी मैंने यमुनानगर एक पार्क में, यहाँ से घर से काफ़ी सारे पौधे भेजे हैं, वहाँ भी जाके हम दिखा सकते हैं। ये प्लाश का पौधा है। अच्छा, प्लाश, हाँ जी हाँ, प्लाश हमारा विरासती पौधा है सर, ये तो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए, और ख़त्म होने के कगार पे है। हमारी रोड साइड पे बहुत सारा लगा होता था, वो सड़कें जैसे नए, अगर डेवलपमेंट होगी तो ये भी होगा, लेकिन हमें लगाने चाहिए, वो कट गए हैं तो हमें उसको अगर एक काटते हैं तो कम से कम हमें 10 पौधे लगाने चाहिए। इतना बड़ा, जहाँ पे हम खड़े कभी जंगल रहा होगा, अब हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए और वो जंगल हमने ख़त्म कर दिए। इसको हाथी पाम, पता नहीं कौन सा इसका नाम, मैं भूल जाती हूँ, पाम की ही है टाइप है। तो ये देखो ये कितना बड़ा है, इसको, इसकी एक छोटी सी कहानी है, मेरा डॉगी इसको खा गया था ऊपर से। अच्छा। और ये देखो इसकी तीन टहनियाँ निकल आई, तीन टहनियाँ निकल आई, मतलब ये खाद्य उसमें आता है। नहीं, ये इसकी तो शो के लिए है, ये सुंदर लगता है लगा हुआ अपने आप में। ये देखो, ये तो गमले में लगा है ना, ये देखो जमीन में लगा हुआ, ये देखिए कितना जबरदस्त है। अब इसके ये मदर प्लांट बन गया, मैं इसके सारे पौधे निकाल के ना, ये निकल जाएंगे, ये मैं ये भी बांट दूंगी। और इस वाले ये जो है, इसको हमीलिया बोलते हैं, हमीलिया, और इस पे अपनी वो जो होती हैं हैमिंग बर्ड जो होती है ना, क्या बात है जी, बिल्कुल। मैक्सिमम मैं इसको किसी को काटने नहीं देती हूँ, मेरे 3-4 लगे हुए हैं उधर फ्रंट के गार्डन में भी है। जब वो पक्षी आते हैं ना, इसमें शक करते हैं, तो इतने सुंदर लगते हैं ना, वही आसपास अपने घर भी बनाते हैं वही पक्षी। सही सही, हाँ जी, वो बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ जी, तो काफ़ी पौधे, ये अमरूद लगा हुआ है, ये गमले में लगा हुआ है,
और इसको मैंने कटिंग तैयार करी है, अगेव बोलते हैं इसको, अगेव पौधा कहते हैं, ये भी बहुत सुंदर लग, अगेव अगेव कहते हैं, हाँ जी, हाँ ये मतलब कैक्टस की टाइप के हैं जी, जी, जी। तो अब इसमें से निकाल के मैं ऐसे कटिंग तैयार, जैसे मान लो छोटे छोटे से बड़े हो गए, अब मैं ये भी दे दूंगी, बांटू। ये भी अनार का पौधा मैंने गमले में लगा रखा है, ये देखो अनार में कलियां आ रही हैं, तो हाँ जी। कौन सा ये पौधा है ना, इसको जंगल जलेबी कहते हैं, हाँ जी। एक्चुअली ये भी मुझे इतना पसंद, क्योंकि मैंने बचपन में ये खाई हुई है, देखी हुई है। अभी मैं 3 महीने पहले एक हम फॉरेस्ट वॉक करके आए थे, वहाँ मैंने लगी हुई भी देखी है, लेकिन मैंने अपने घर में तो लगाई, ये मैं बांटने के लिए लेकर मैं दूंगी, जहाँ कोई ऐसी जगह होगी वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। हाँ जी, बड़ा स्वाद होता है ये फल। अब इस तरह के व्यक्तित्व ही जो विकास की दौड़ में प्रकृति की उपेक्षा है, प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन तो खूब करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण में हम कितना योगदान देते हैं, उस पे ही हमारा सच्चा विकास निर्भर करेगा। यदि हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे मनुष्य, तो प्रकृति के साथ संतुलन बिठा करके, प्रकृति के साथ एक रिश्ता स्थापित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये संदेश हमें हरविंदर कौर ढिल्लों मैडम जैसी शख्सियतें हमें निरंतर अपने कार्यों से ये संदेश देती हैं। अपने घर में इनका जो ये वातावरण है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और फिर घर में पौधे पैदा करके उसे अलग अलग जगहों पर वितरित करना, ये और बहुत बड़ी बात है। और पूरे दायरा इनका बहुत व्यापक है, यमुनानगर ज़िला के अलावा भी इनका कार्यक्षेत्र है। इसी तरह से हम इनसे प्रेरणा लेते रहें और अपने काम में और निखार, प्रकृति माँ की जो सेवा है या पौधे लगाने का जो काम है, पेड़ों के संरक्षण का काम है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सब साथियों का वीडियो देखने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।